अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। मेरा नाम जैबुनिसा मलिक है और मैं मलिक लियाकत हुसैन की छोटी बेटी हूँ। मैं उनके 25वीं बरसी पर एक जो ट्रस्ट हम चलाते हैं उनके नाम पे, मलिक लियाकत हुसैन ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के अंदर हम एक बुक उनके ऊपर उनकी सवाय हयात के लिए लिख रहे हैं। ये बुक ऐसी होगी जिसमें उनके बारे में सारा कुछ हम उनके मतलब उनकी जिंदगी पर पूरा वो डालेंगे, हम रोशनी डालेंगे। उस सिलसिले में मैं सर आपके साथ ये छोटा सा एक इंटरव्यू करना चाह रही हूँ। तो सर, मैं पहले आपका तारुफ चाहूंगी कि आपका तारुफ बताएं। नाचिस को डॉक्टर शेख अब्दुल्ला कहते हैं और गुज़िश्ता तकरीबन तकरीबन 60 वर्षों से कुरला में कायम पज़ीर हूँ और तमाम तालीमी और फलाही और रफाही कामों की सरगर्मियों में अल्लाह के करम से मसरूफ हूँ। फरमाइए जैबा जी जैबुनिसा सर, मलिक साहबा क्या मुझे कहना है। आपसे पूछना था कि सर, जो हमारे अब्बा है मलिक लियाकत हुसैन, वो भी कुरला के, आप भी कुरला के थे, आप भी तालीम से वाबस्ता है, वो भी तालीम से वाबस्ता थे पहले, तो आप उनको कब से जानते हैं? गालिबन या जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, मैंने पहली मर्तबा लियाकत हुसैन साहब को 1975 में देखा, जब कुर्ला में ये खांचा फरोश स्टेशन के पास उनकी एक बड़ी मार्केट थी और वहां पर जब गार्डन का एक वहां पर एक मंसूबा आया तो उनको उजाड़ने का फैसला किया गया था। और अक्सर व बेशतर हम, चूंकि मेरे कॉलेज का जमाना था, मैं उन दिनों सिद्धार्थ से एलएलबी का तालीम का सिलसिला था मेरा उन जमाने में, तो अक्सर शाम में हम कभी देखते थे वहां पर। तो सरगर्मियां जो थी वो मैं अक्सर देखता था मरहूम लियाकत हुसैन साहब को जो है वहां पर, और उनके तमाम जोशीले साथी और एक तहरीक की शक्ल में मैंने उनको देखा। लेकिन अक्सर बेशतर मैंने जहां पर उनको देखा वो करीब 1976-77 की बात है कि वो अक्सर जो इस्लाम की उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने किसी शनासा से मिलने के लिए आया करते थे, और उन दिनों मैं भी अक्सर अपने दोस्त से मुलाकात के लिए डॉक्टर नदीम नुमाती से, जो वहाँ पर उस जमाने में लाइब्रेरियन थे, तो अक्सर हम शाम में वहाँ मुलाकात के लिए उनसे मुलाकात के लिए जाया करते थे। तो मैं देखा करता था कि एक पुरवची शख्सियत और कदर पोश सफ़ेद बेदाग लिबास चश्मा, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के हामिल लियाकत हुसैन साहब को मैं देखा करता था। लेकिन कभी बिलमुशाफा मेरी उनसे इस जिम्मे में कभी मुलाकात नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद जो हमारे दोस्त थे, हमारे रफीक थे, उन्होंने बताया कि चूंकि वो उन दिनों कॉरपोरेशन में बरसरे रोजगार थे और नागपाड़ा के सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाते थे, तब पता चला कि लियाकत हुसैन साहब जो है वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं कि जहाँ पर एक ऐसा उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि जहाँ बम्बई शहर में ये इनका इनका पता चला कि ये फैजाबाद के तहसील अकबरपुर से इनका ताल्लुक रहा है, और वहीं से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम और कॉलेज की तालीम को वहां से हासिल किया। लेकिन दौराने कॉलेज की तालीम में ही पता चला कि वो डॉक्टर मशहूर सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर भैया से जो है उनके अफकार से बहुत ही मुतासिर हुए और उनसे रब्त में रहे, और वहीं से इनके दिलों में कौम मिल्लत के लिए कुछ करने की एक तड़प
पैदा हुई, लेकिन कुछ माशी हालात, जमींदारी खत्म होने लगी और माशी हालात अबतर होने लगे, तो उन्होंने बम्बई शहर का रुख किया और बम्बई शहर में अपनी इब्तदाई माश के लिए बेकरी में बरसरे रोजगार हुए। लेकिन चूंकि आपकी तालीमी सलाहियतें, तालीमी लियाकत बहुत ही पुरअसर थी, इसलिए बहुत जल्द ही आप महकमे तालीम में, म्यूनसिपल स्कूल में आपको जो है बहैसियत मुदर्रिस आपका तकरीर हुआ। और उन्हीं दिनों में मजदूर लीडर जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो थे, वो कॉरपोरेशन में म्यूनसिपल मजदूर यूनियन चलाते थे। आपकी दर्दमंदी, आपकी सलाहियतों को, आपके जोश जज्बे को देखते हुए बहुत जल्द आपको जो है जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया गया आपका। लेकिन चूंकि नाइंसाफी के खिलाफ आप हमेशा सरगर्दा रहे, हमेशा सीना सपर रहे, तो मुंतजमीन को यह बात नागवार गुजरती रही और बहुत जल्द आपने उसको भी छोड़ दिया और फिर मुकम्मल तरीके से आप जो है पूरे शद्दोमद के साथ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले। और यह बड़ी बात है कि कुर्ला में, क्योंकि हर चीज का महवर रहा है, मरकज रहा है, यहाँ से हमारी अदबी, सकाफती, इल्मी सरगर्मियाँ हमेशा वहाँ से बहैसियत तहरीक की शक्ल में उभरती रही है। सियासी नुक्ता निगाह से भी देखा जाए तो कुर्ला बहुत ही बड़ा मरकज रहा है। और लियाकत हुसैन साहब जब इलेक्शन में उतरे तो किसी को गुमान भी नहीं था कि बड़े बड़े उस जमाने में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर अपनी पूरी आबोताब के साथ, अपनी तमाम कर्रोफर के साथ इलेक्शन पर छाए हुए थे और यहाँ ये शख्स तनहा अपनी मुखलिस साथियों के साथ बेसरो सामानी के बावजूद उस वक्त के मशहूर लीडर, साबिक चीफ मिनिस्टर बाबा साहब भोसले को हराकर हल्का नेहरू नगर से कामयाब होते हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी की बात है कि जो शख्स हमेशा मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, बेकसों के साथ, उनके हुकूक के लिए सरगर्दा रहा, उनके हुकूक के लिए लड़ता रहा, उनके हुकूक के लिए सीना सपर होता रहा, जो भी उनके सामने रहा वो उनसे कभी भी मरूब नहीं हुआ, चाहे कितनी ही उनको तकलीफ हुई है, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी मुफाहमत नहीं की, मुसाहलत नहीं की, हमेशा मजदूरों के हुकूक के लिए वो लड़ते रहे। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही दर्दमंद दिल, उनके अंदर इतना हसास दिल था कि वह हमेशा बेचैन रहते थे और हमेशा कुर्ला स्टेशन के पास एक मरकज थी। और मुझे यहाँ तक याद है कि एक बाबू रशीद साहब करके भी एक फेरी वालों के एक लीडर थे, अक्सर इनके साथ और उनके जो का थे हमेशा इंतजामिया से जो है वो लड़ने की और उसके साथ मनसूबा बंदी करने की कि किस तरह इनके हुकूक को कि पामाली ना हो मजदूरों की। और जब वो मार्केट वहां से शिफ्ट होने लगा तो उन्होंने पूरी शिद्दोमत के साथ उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और मजदूरों को, उन खांचा फरोशों को, उन बेबस और बेकस लोगों को जिनका जरिया सिर्फ फेरी करना था, उनको मुनासिब जगह फराहम कराई। और ये एक बड़ी बात है कि एक इंसान छोटे से गांव से आता है, लेकिन अगर उसके 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 पास एक अज़्म है, इस्तकलाल है और मंजिल को पाने की एक तड़प है, एक जुस्तजू है, तो हमारे लिए लियाकत हुसैन, मरहूम लियाकत हुसैन एक बहुत ही जिंदा जावेद मिसाल है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बहुत बड़े घराने का, रईस घराने का शख्सी जो है वो बहुत बड़ी जगह पे जा सकता है। ये बहुत बड़ी मिसाल है और मुझे इस बात की भी खुशी कि मैं एक मरतबा जब कुर्ला से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि
एलबार्ट के पास जो एक रास्ता है, तो बुरला कॉर्पोरेट जोसेफ स्कूल से जाता है एलवार की जानिब से एस जी बर्वे मार्ग पर, लक्ष्मण राव यादव मंडी से उलही, इस पर मलिक लियाकत हुसैन मार्ग की तख्ती नस्ब की गई है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इस शख्स की का काम इनके कारनामे आने वाली नस्लों के लिए मशाल रहा होगी, क्योंकि जिंदा कौमें वही होती है कि जो अपने माजी में उन तमाम अहम लोगों को याद करे और अपने मुस्तकबिल की मंजिलों को तलाश करे। मैं जो भी मेरे तासुरात थे, जो भी मैं जानता रहा हूँ इनके ताल्लुक से, मुझे खुशी है कि इनकी बहुत ही लायक फायक साहबजादी, छोटी साहबजादी ज़ैबुन्निसा मलिक जो है इस काम को सर अंजाम दे रही है अपने ट्रस्ट के जरिए। और यह हक है कि अपने बहसियत वालिद के साथ साथ एक अजीम शख्सियत को अवाम के सामने किस तरह पेश किया जाए, उनके कारनामों को, उनकी कारगुजारियों को, उनकी शख्सियत को, ताकि आने वाली नस्लें पैदा हो सके। ये कुछ मेरे चंद तासुरात थे जो मलिक साहब के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखे हैं।